हेलो एवरीवन, आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। देखिए, ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। एक बार इस सब्ज़ी को बनाकर खाकर देखिए, इसके सामने आपको सारे सब्ज़ी फीके लगेंगे। जितना अच्छा ये दिख रहा है उतना ही अच्छा ये स्वाद भी भरपूर है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सोयाबीन लिया है। इसे सबसे पहले गर्म पानी में डालना है। तो मैंने चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा दिया है और इसे मैं सोया चंक्स को मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद मैं इसे चम्मच से चला लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर चला दिया इस तरह से और इसे मैं एक बॉईल आने के लिए इंतज़ार करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर एक बॉईल होने ही वाला है। पूरा एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक उबाल आ रहा है। तो जैसे एक उबाल आता है, इसका फ्लेम को कर देंगे बंद। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा जब हो जाता है तो इसे 2 से 3 पानी धो के सारा पानी को निचोड़ के रख लेंगे। देखिए, फूलने के बाद कितना बड़ा सा हो गया है। तो देखिए, मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है और इसका सारा पानी निचोड़ के रख लिया है एक बाउल में। अब आगे मसाला का तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 कली लिया है लहसुन का, 3 हरी मिर्ची। आप अपने अनुसार जितना तीखा खाना है उस अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता, जिसे बड़ा बड़ा काट कर मैं जार में डाल रही हूँ। और यहाँ 1 इंच अदरक का लेंगे, जिसे काट के डालेंगे। तो मैंने इसे काट लिया है और इसे भी मैं जार में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 1 छोटे चम्मच में 1 चम्मच जीरा ली हूँ और यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्ची मैं यहाँ पर डाली हूँ और 1 छोटा प्याज काट कर मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है और इसे पीस लेना है। तो मैं इसे पीस लेती हूँ। देखिए, पीस चुका है मसाला। तो इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए, पूरा जार में लग गया है। तो पहले एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और सारे को निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने जो सोयाबीन को निचोड़ के रखा है उसी में सारा मसाला को इसे डाल लेंगे। देखिए, मैंने सारा मसाला इसमें निकाल लिया है और जार में थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ है, तो पानी डालकर उसे भी निकाल कर ले लेते हैं। यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और यहाँ भर के 2 चम्मच बड़े चम्मच में मैंने यहाँ पर दही लिया है। मैंने घर का बना हुआ दही लिया है। यहाँ पर 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, जितना कि सोयाबीन में आ जाए नमक, अच्छी तरह से उसके अंदर चला जाए। और सारे को मसाले को मिला लेते हैं। देखिए, मसाला अच्छी तरह से पूरा मिल चुका है। और ये मिल चुका है तो इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज का प्याज काटा है और 2 तेज़पत्ता लिया है। और कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ाया और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है। तो यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया है। तो तेल गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर प्याज और तेज़पत्ते को डालूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर अभी भूनेंगे प्याज को। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पहले भूनते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर साबुत 2 लाल मिर्ची लिया है, सूखा लाल मिर्ची है ये। तो देखिए, अब ब्राउन हो चुका है प्याज। तो अब इसे इसमें मैंने 1 टमाटर काटा है, उसे मैं डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद फ्लेम को मैं कर रही हूँ बिल्कुल लो और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। बिल्कुल थोड़ा सा ही डाले हैं हींग यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है सब्जी मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच यहाँ पर काश्मीरी मिर्च और यहाँ पर 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पनीर मसाला। आप चाहें तो पनीर मसाले के बदले आप यहाँ पर मीट मसाले भी डाल सकते हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि पहले भी
हम सोयाबीन में नमक डाल चुके हैं, तो इसलिए जितना रखना है इसमें ग्रेवी उसी अनुसार यहाँ पर डालेंगे नमक। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने आधा मिनट भुना और थोड़ा सा एक चम्मच मैंने यहाँ पर मसाला जले ना इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा एक चम्मच जैसा इसमें पानी डालेंगे। और यहाँ पर मैंने हल्दी थोड़ा सा डाला, कहे कि पहले भी मैंने डाला हुआ है हल्दी, तो यहाँ थोड़ा सा ही डालना है। तो देखिए मैंने एक मिनट भून लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर सोयाबीन को डाल रही हूँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब सोयाबीन को डालेंगे, इसमें जितना भी मसाला है सारे को डाल लेते हैं। तो इसमें मसाला थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा पानी लेके इसे भी डाल लेंगे। और सारे बीन्स को यहाँ पर मैं भूनूंगी लगभग, जब तक कि ये पानी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक इसे भूनना है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। देखिए कुछ देर के बाद मैंने इसे दिखाया है यहाँ पर, इसका आधा पानी सूख चुका है। ये जब तक तेल छोड़ने ना लगे तब तक इसे भूनना है, क्योंकि इसमें कच्चा प्याज भी गया है, जीरा है, काली मिर्ची है, तो ये थोड़ा सा भून जाए। देखिए इस तरह से अब तेल छोड़ने लगा है और अच्छी तरह से मसाला भून चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर भी इसे इस तरह से बंद करके आप खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है सूखा हुआ, पर मुझे ग्रेवी रखना है। तो अब यहाँ पर मैं, अब मसाला भून चुका है तो मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। लगभग मैं यहाँ पर एक गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर ही इसे 2 मिनट ढककर पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, तो ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। मुझे इतने ही ग्रेवी रखना है, तो अब कर देंगे फ्लेम को बंद धनिया पत्ता डालकर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है और फ्लेम को मैं कर दी हूँ बंद। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए जितना मज़ेदार दिख रहा है उतना खाने में भी अच्छा लगता है। आप ज़रूर एक बार इसको बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सब्जी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।